उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण बढ़ी सर्दी के चलते सीएम योगी ने रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में जाकर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए और जरूरतमंद लोग रैन बसेरा का इस्तेमाल कर पाए। इसके साथ ही जरूरतमंदों को कंबल बांटने और अलाव जलाने को कहा गया है। अचानक से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बारिश में जो रैन बसेरे हैं वहां पर जो बिथारा लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ तेज बारिश की वजह से राजधानी लखनऊ में भी जनजीवन में पूरी तरह से असर पड़ा है। लोग सड़कों पर अब कम निकल रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। बारिश हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है, काफ़ी जो धुएं प्रदूषण से काफ़ी राहत मिली है, इससे बहुत ही सबको आराम मिलेगा। ठंड हो रही है? ठंड हो रही है, इतनी ठंड नहीं हो रही लेकिन हो रही है, हो रही है, अच्छी बेटर हो गई है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। देखिए कि बारिश हो रही है, ठंड बढ़ी है? हाँ ठंड बढ़ी है, बहुत तेज ठंड लग रही है। इसमें मौसम परिवर्तन होना किसानों के लिए भी नुकसानदायक है और स्कूली बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है। आप कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में कल देर रात से तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से सर्दी का सितम जो है वो भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग इस तेज बारिश का मजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन खास तौर से जो जिला प्रशासन है उसने इस तरह के इंतजाम के आदेश जारी किए हैं कि जो लोग रैन बसेरे में नहीं रह पा रहे हैं उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ इस वक्त आवागमन पर भी पूरी तरह से असर दिखाई पड़ रहा है और दोपहर में भी काला घना अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। कैमरामैन देश आसाद, विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।